राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने फॉर्म नोटिस यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर। भाई दो जो हरियाणा पुलिस के अंदर भाई कैटेगरी नंबर 4/2020 थी भाई, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो ये थी भाई, उसके बारे में इस भर्ती के इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे। जो कैटेगरी नंबर 1 थी, जो मेल कॉन्स्टेबल के लिए भर्ती निकाली गई थी भाई, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे। एक नोटिस जारी किया गया है, क्या है वो नोटिस और कब तक आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हो चुका है भाई, उस ऑफिशियल नोटिस के अंदर क्या चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। और जो कॉन्स्टेबल भर्ती थी भाई, मेल और फीमेल जिन पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी भाई, उनकी जो ज्वाइनिंग है उसके ऊपर अभी तक कोर्ट के अंदर केस चल रहा है भाई, जिसकी अंदर कोर्ट के अंदर अप्रैल महीने के अंदर आप लोगों की हायरिंग डेट दी गई है। क्या उससे पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी? जो ओएसडी साहब हैं उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर करवा ली जाएगी भाई। आज जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं भाई, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों उससे पहले अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। इसके अलावा भाई हर भर्ती की नोटिस के बारे में या रिजल्ट के बारे में या एडमिट कार्ड के बारे में जानना है ऑल इंडिया वैकेंसियों के बारे में, तो उस सबसे पहले भाई अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, उस चीज़ को ज़रूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई। फॉर्म नोटिस के नाम से ही अपना जो टेलीग्राम चैनल है भाई, जिसके ऊपर 68,000 के लगभग सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, उस चीज़ को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को ऑल इंडिया वैकेंसियों के बारे में सबसे पहले अपडेट है वो दी जाती है। अब जो नोटिस है वो आज जो जारी किया गया है उस नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये वो नोटिस है जो आज जारी किया गया है, यहाँ पर आप जो आज की डेट कल की डेट देख सकते हैं भाई, 4/3/2023 इस डेट को ये जारी किया गया था भाई, देर रात को ये नोटिस जारी किया गया था आप लोगों के लिए। जो ये नोटिस है भाई IGHP मधुबन से जारी किया गया, जहाँ पर आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है भाई मधुबन, वहाँ से ये नोटिस है जो वो जारी किया गया हरियाणा पुलिस के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेल कॉन्स्टेबल थे भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल कॉन्स्टेबल GD की थी भाई जो वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई थी। जो एडवर्टाइजमेंट थी भाई 4/2020 जिसकी एडवर्टाइजमेंट थी और कैटेगरी नंबर 1 था भाई, यानी कि 4/2020 कैटेगरी नंबर 1 थी, उस भर्ती का ये नोटिस जारी किया गया है। इसके अंदर कहीं पर भी ये चीज़ नहीं लिखी गई है कि दोस्तों आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो करवाई जाएगी। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के ऊपर लिखा गया है कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो आ चुकी है, लेकिन नहीं दोस्तों, इस चीज़ के अंदर ऐसी कहीं पर भी कोई बात नहीं लिखी गई है इस नोटिस के अंदर कि आप लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं भेजा गया है। ये जो 5500 कॉन्स्टेबलों के लिए आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी भाई, जो मेल कॉन्स्टेबल थे भाई, उसके लिए ये स्पेशल भाई उसके लिए लिखा गया है। जो स्टाफ मेंबर अभी हरियाणा के अंदर वर्किंग कर रहा है उसके लिए ये नोटिस लिखा गया है कि वहाँ पर कितने बैच हैं जो वो खाली हैं, और जो बेल्ट नंबर होता है भाई उस चीज़ के बारे में ये चीज़ें हैं, ये नोटिस उस चीज़ के बारे में जारी किया गया है, ताकि जो आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी उसके लिए आप लोगों की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेसिंग है उसके ऊपर विचार किया जा रहा है, और आप लोगों की जो बेल्ट नंबर है उन चीज़ों के बारे में ये लेटर लिखा गया है दोस्तों। जो IGHAP मधुबन से ये लेटर है वो जारी किया गया है दोस्तों, और ये लेटर ये नहीं है कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो अभी होगी या 10 दिन के बाद होगी या 15 दिन के बाद होगी। जो OSD साहब थे भाई, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो 15 दिन के अंदर अंदर करवा ली जाएगी। आज लगभग भाई इन बातों को 10 से 12 दिन का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया है जो उसके बारे में नोटिस नहीं डाला गया है कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो कब होगी। एक तरफ भाई हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट है, उसके अंदर आप लोगों का जो कोर्ट केस है वो पेंडिंग में है, वहाँ पे वहाँ से आप लोगों की ज्वाइनिंग के ऊपर सटे भी लगा हुआ है। जब तक शायद सटे क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो मुश्किल है, क्योंकि जब तक किसी भी भर्ती के ऊपर आप लोगों का जो कोर्ट केस होता है जब तक वो क्लियर नहीं होता भाई, तब तक उसकी ज्वाइनिंग है वो रोक ली जाती है। अगर उससे पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि ये वैकेंसी निकाली गई थी 2020 के अंदर, लगभग भाई 3 साल का टाइम हो चुका है इन भर्तियों को निकले हुए भाई,
तो 3 साल के अंदर अभी तक आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो नहीं करवाई गई है, लगभग 1 साल के आसपास हो चुका है आप लोगों को एग्ज़ाम हुए भी, 1 साल से ज़्यादा ही टाइम हो चुका है आप लोगों का एग्ज़ाम हुए, लेकिन अभी तक आप लोगों की जो रिजल्ट है वो निकाला गया था। उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया थी भाई, मेडिकल और आप लोगों का जो ज्वाइनिंग थी वो अभी पेंडिंग में है, क्योंकि आप लोगों का जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है वहाँ पर आप लोगों का जो कोर्ट केस है वो चला हुआ है भाई। जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होती तब तक हो सकता है कि आप लोगों को जो ज्वाइनिंग है वो नहीं करवाई जाए। ओएसडी साहब ने भी आश्वासन दिया था कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर करवा ली जाएगी, लेकिन उन बातों को आज 10 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस चीज़ के ऊपर कोई प्रक्रिया नहीं की गई है, क्योंकि आश्वासन बहुत टाइम पहले से मिलने स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन आश्वासन के ऊपर कोई भी प्रक्रिया है वो जारी नहीं की गई है। ये सिर्फ नोटिस आप लोगों के लिए नहीं था, ये जो नोटिस जारी किया गया था ये वहाँ पर जो सिलेक्टेड जो अफसर हैं भाई उनके लिए, ऑफिस के लिए जारी किया गया था। वहाँ पर जो बैलेट नंबर हैं वो तैयार किए जा रहे हैं आप लोगों के। हो सकता है कि भाई आप लोगों को अप्रैल महीने के अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग है जो वो करवा दी जा सकती है। ये सिर्फ मेल कॉन्स्टेबल का है, इसके अलावा जो फीमेल कॉन्स्टेबल है भाई उनका अभी तक कोई नोटिस है वो जारी नहीं किया गया। आप लोगों की अभी तक ज्वाइनिंग के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया वो नहीं दी गई है, ना ही ओएसडी साहब के द्वारा, ना ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर साहब के द्वारा। एचएसएससी की तरफ से तो यही बोला गया कि हमने अपनी तरफ से जो परिणाम था वो जारी कर दिया गया है, लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो हरियाणा सरकार ने करनी है, आगे की जो भी प्रक्रिया होती है। अब इसके अंदर एचएसएससी का कोई रोल नहीं है। अगर हो सकता है कि अगर रिजल्ट रिवाइज करने को बोला जाए तो एचएसएससी रिजल्ट को रिवाइज कर सकती है, लेकिन अभी तक फीमेल कॉन्स्टेबल के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया वो नहीं दी गई है। इनके अभी रिजल्ट आए हुए बहुत टाइम हो चुका है दोस्तों। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जरूर ज्वाइन करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।